वेलकम टू प्रेस्टीज मीडिया. आज हमारे साथ टॉप फोर सेलेब में मौजूद हैं जाने माने कलाकार मिस्टर संजय गांधी जी. मैं आपका स्वागत करती हूँ सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यस सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, आप एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, साथ ही साथ आपने काफ़ी सारी फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में अभिनय किया है. सर, थिएटर में काम करना बड़े और छोटे पर्दे पर काम करने से कितना अलग है, और एज एन आर्टिस्ट आप किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं? मीडियम तो तीनों रॉकिंग है. सबसे पहला मीडियम है वो है थिएटर. किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी आदमी को अगर ये डिसाइड करना है, वो डिसाइड करता है कि मुझे एक्टर बनना है, तो सबसे पहली सीढ़ी होती है थिएटर, और उसे थिएटर करना चाहिए, और जो हमने भी किया, और बहुत हार्ड है, और आपको जमीन आसमान से ज़मीन पर ला के रख देती है, ऐसी सीढ़ी है वो. और किस्मत से मेरे गुरु रहे रॉबिन दास साहब, जिनके साथ मैंने अपना थिएटर का सफ़र शुरू किया, और उसके बाद फिर मैंने प्रसन्ना सर के साथ बहुत काम किया, मैंने अमिताभ दास गुप्ता साहब के साथ बहुत काम किया, मैंने अमाल अलाना के साथ बहुत काम किया, और फिर मैं एनएसडी रेपेटरी कंपनी में रहा कुछ महीने, और उनके साथ एक प्ले किया मार्को मिलियंस, जिसको डायरेक्ट किया ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर रॉडनी मैरियट ने. ये 1988 की बात है. आई वॉज इन टू अप्रेंटिस आर्टिस्ट, एज अप्रेंटिस आर्टिस्ट, बट दैट वॉज अ ग्रेट जर्नी. और उसके बाद जब हम बॉम्बे आए, और बॉम्बे में हमने मकरंद देश पांडे हमारे दोस्त हैं, और उनका ग्रुप है अंश थिएटर ग्रुप भी, मतलब उस वक्त अंश फॉर्म नहीं हुआ था, और उस वक्त हम लोगों ने थिएटर फॉर्म किया अंश, और कमाल के प्लेस किए हम लोगों ने. मेरा पहला प्ले मकरंद के साथ था डेढ़ इंच ऊपर, निर्मल वर्मा का एक मोनोलॉग है निर्मल वर्मा साहब का. और ग्रेट जर्नी, ग्रेट जर्नी. देन वेरी डियर फ्रेंड प्रशांत नारायणन, जिसने काफ़ी अच्छा थिएटर किया, और उसके साथ हमने मैंने काफ़ी प्लेस किए प्रशांत के साथ, जूली सीजर से लेकर मरणोपरांत से लेकर और ब्लड नॉट से लेकर, और दैट वाज ग्रेट जर्नी. हम लोग सब उस वक्त मेहनत कर रहे थे, और थिएटर से बढ़िया प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग का एक एक्टर के लिए कोई नहीं हो सकता. दैट्स इट. थैंक यू. ऐसा भी है कि आप एक एक्टर हैं और एक अभिनेता होने के नाते आपको कई सारे रोल्स निभाने होते हैं, तो कोई ऐसा मंत्र हो या आपकी क्या खास प्रिपरेशन रहती है खुद को उन किरदारों में ढालने के लिए? एज एन एक्टर तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो. एज एन एक्टर तो मैं काफ़ी कुछ भी कर सकता हूँ. मैंने सबसे बड़ा एग्जांपल है ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो मैंने किया वो दैट टाइम व्हेन आई वाज डूइंग दैट शो, दैट टाइम आई वाज 35 इयर्स ओल्ड एंड आई वाज प्लेइंग 65 इयर्स ओल्ड मैन दादाजी. तो एज एन एक्टर तो आपको चैलेंजेस मिलते रहते हैं, लेकिन एज एन एक्टर जो आपका एज ए मैन, एज ए पर्सन, आपकी एज एन एक्टर चाहत होती है कि यार मुझे इस तरह के रोल्स करने हैं, तो वो तो हर कोई चाहता है कि मुझे मेन प्रोटैगनिस्ट का कहानी का किरदार मिले. लेकिन मेरा एज एन एक्टर, मेरा जो पर्सनल वो है चॉइस है, मैं थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है. तो क्योंकि मेरे जो जिनको मैंने काफ़ी अपना आइडियल माना है वो प्राण साहब रहे हैं. प्राण साहब को मैं बहुत मानता हूँ, और उनको, उनका मैंने काफ़ी काम देखा है, और संजीव कुमार साहब जिस तरह के रोल्स करते थे, और उसके बाद मेरे जिनको मैंने बॉलीवुड में अपना गुरु माना वो राजेश खन्ना साहब, उनके साथ मैंने काफ़ी टाइम बिताया, काफ़ी साल बिताए. तो लेकिन ऐसे लोगों का आशीर्वाद मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मुझे नेगेटिव रोल करने में ज़्यादा मज़ा आता है. आई एंजॉय मोर इन नेगेटिव शेड्स. यस. मैंने गंगा में, आई वॉज मेन विलन ऑफ गंगा, देयर वाज अ शो फॉर एनडीटीवी, एंड फिर उसके बाद मेरे को नेगेटिव रोल्स बहुत कम मिले हैं, लेकिन जो भी मिला है कमाल मिला है. अभी मेरा लास्ट शो था तू सूरज मैं सांझ ऑन स्टार प्लस, दिया और बाती, दैट वाज, देयर वाज आल्सो आई वाज विलन इन द शो, एंड बहुत मज़ा आया, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो शो बंद हो गया. तो बट आई रियली एंजॉय नेगेटिव रोल्स. बाकी एज एन एक्टर तो मैं काफ़ी कुछ जो भी मिलता है वो करता ही, वो तो करना पड़ता है, हमारा काम है वो. एक्टर का काम है टू इनएक्ट, यू नो, यू हैव टू परफॉर्म, बट व्हाटएवर यू गेट द ऑफर्स.
सर, एक्टिंग आपका हमेशा से पैशन था या किसी घटना या व्यक्ति से प्रेरित होकर या किसी चीज़ से इंस्पायर होकर आपने एक्टिंग में कदम रखने का डिसीजन लिया? बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन हाँ ये है कि मैं मेरे पहली बार मैं अगर किसी फिल्मी एक्टर को जब मिला दिल्ली में, अगर 16 साल का था और मैंने 10th कंप्लीट किया था मेरा, और मेरी मुलाकात हुई, हमारी शॉप थी दिल्ली में, अभी तो नहीं है, हमारी दुकान पर एक बार किशोर कुमार साहब आए थे जी। ये 85-86 की बात होगी शायद, जहाँ तक मुझे याद है, और हमारी जूस की दुकान थी और हमारी दुकान पर जूस पीने आए थे किशोर कुमार साहब। तो मतलब उनका एक मैनेजर आया और उसने एक ऑर्डर दिया और बोला कि साहब को जूस दे देना गाड़ी में। तो साहब को जूस दे देना गाड़ी में, तो ये बड़ा अजीब लगा कि कौन है, किसको गाड़ी में जूस देना है। तो जब गाड़ी में देखा मैंने, तो किशोर कुमार साहब बैठे हुए थे। तो बड़ा कमाल का वो तजुर्बा था, और उस रात मैं सो नहीं पाया था, और उस रात मैंने ये डिसाइड किया था कि कुछ अच्छा करना है ज़िंदगी में, मुझे जूस नहीं बेचना, मुझे दुकान पे नहीं बैठना, और वो मुझे करना भी नहीं था, लेकिन वहाँ से एक मोटिवेशन मिली लाइफ में। बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सिंगर बनना था, नहीं, मुझे एक्टर बनना था, और मैंने डिसाइड किया एक्टर बनने का। और उसके बाद जब मैंने पहला इंसान जिनसे मैंने बात की, वो है रॉबिन दास साहब, जो गुरु हैं हमारे, और उन्होंने बहुत मुझे मनाना पड़ा उनको, तो बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी दैट कि तुम यहाँ दुकान पर खड़े ज़्यादा अच्छे लगते हो। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे नहीं करना। तो बोला फिर सोच लो, ये रबड़ी, गुलाब जामुन, ये चॉकलेट वगैरह सब छोड़ना पड़ेगा, घर के पराठे वगैरह सब छोड़ने पड़ेंगे। मैंने कहा छोड़ दूंगा सर। तो ये वेरी हैप्पी कि ठीक है, अगर तुम ये सब छोड़ दोगे तो फिर आ जाओ, आओ हमारा ग्रुप ज्वाइन करो। तो रविंद्रा का ग्रुप है फैमिट, फॉर्म ऑफ इंडियन, फॉर्म ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर इन दिल्ली, फ्रीलांसिंग थिएटर करते हैं वो, और वहाँ पे हमने शुरुआत की। और पहला प्ले था डॉक्टर अल्फ्रेड जैरी का अबू किंग, जिसमें मैंने काम किया था, पहला मेरा नाटक था, एक्सपेरिमेंटल प्ले था वो। और उसके बाद फिर अमिताभ दास गुप्ता साहब के साथ बहुत थिएटर किया, लेनिन का संग्राम और पता नहीं क्या क्या, और कमाल के डेज थे वो, कमाल के डेज थे। मतलब वो गुरु, वैसे लोग अभी आज के दौर में उस तरह का जो पागलपन है वो अभी बहुत रेयरली देखने को मिलता है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ कुछ करने का जज्बा वो अपने अंदर होना चाहिए, वो कम मत, मैं चाहूँगा कि कम ना हो लोगों में, बस दैट्स इट। और मैं बनना तो एक्टर था, हाँ। और वो एक्टर बन गए हम, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो यात्रा शुरू हुई है, अभी तो काफ़ी दूर जाना है, काफ़ी काम करना है, दैट्स इट। बट किशोर कुमार साहब वॉज द मेन, आई वॉज द फर्स्ट एक्टर टू हुम आई मेट, दैट वॉज किशोर कुमार, और उनसे उस वक्त मेरी कुछ बातें हुई और मुझे बहुत ताजुब हुआ कि मैं, वो मेरे से बात कर रहे हैं। और उसके बाद जब मैं बॉम्बे आया तो राजेश खन्ना साहब के साथ दोस्ती हो गई, तो बड़ा वो मतलब किशोर कुमार, राजेश खन्ना, उनका वो रिलेशन था, एक चेन थी। तो उनकी फिल्में देखकर हम बड़े हुए थे, राजेश खन्ना साहब की, और उन्हीं से मुलाकात हो गई। तो उनकी फिल्में देखकर हम रोते थे, उनकी परफॉर्मेंसेस देख के, उनके गाने और देखकर, तो फिर किस्मत है उन्हीं से मिलाया। तो ये बड़ा कमाल का वो रहा जर्नी, बनना तो एक्टर ही था। सर, आपने अनुराग कश्यप और अब्बास मस्तान जैसे डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है, तो कैसी रही आपकी एक्सपीरियंस और कैसी रही जर्नी इन लोगों के साथ आप काम करके, आपने क्या नया लर्न किया, कुछ आप व्यूअर के साथ शेयर करना चाहें? अगर अनुराग के साथ तो बहुत मज़ा आता है काम करके, वो एक ऐसा डायरेक्टर है जो अभी तो काफ़ी कुछ सोचना शुरू कर दिया है उसने, पहले लेकिन सोचता नहीं था वो, पहले इतना नहीं सोचता था, पहले उसको जो दिख जाता था करेक्टर में उसके साथ काम कर लेता था। अभी उसकी काफ़ी बंदिशें हैं, जो भी होगा, लेकिन मुझे अनुराग के साथ काम करके बहुत मज़ा आया।
और वो एक ऐसा डायरेक्टर है जो अपने एक्टर को इतनी फ्रीडम देता है, मतलब वो मतलब उस लेवल पे डायरेक्ट नहीं करता या डिक्टेट नहीं करता या समझाता नहीं है जिस लेवल पे मैंने दूसरे लोगों को एक्टर्स को वो करते देखा है, समझाते देखा है। लेकिन हाँ, जो एक्टर कर रहा होता है, अगर कुछ ऐसा वो कर रहा होता है जो उसके लिए उसकी कहानी में या उसके किरदार में नहीं जम रहा होता, तो उतना ही मना करता है बस। अदरवाइज वो कुछ मना नहीं करता, वो कहता है ठीक है करो। बाकी स्क्रिप्ट तो लिखी होती है, डायलॉग्स तो लिखे होते हैं, बट वो सिखाता नहीं है। मतलब वो एक्टिंग करके नहीं बताता, वो सिखाता नहीं है आपको। वो बहुत कमाल की फ्रीडम देता है, मतलब उससे बड़ा मतलब कमाल का डायरेक्टर है वो। इस और वो अपने एक्टर्स को जिस लेवल पे हेल्प करता है और मेंटली और यू नो मोटिवेट करता है कुछ अच्छा करने के लिए, वो बहुत कमाल का बंदा है वो। और अब्बास मस्तान साहब तो उनके साथ तो ज़्यादा काम करना नसीब नहीं हुआ मुझे, लेकिन हाँ उनके साथ एक फिल्म की और उनके टीम के कुछ लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं, और मुझे फ़ोन आया तो वो छोटा सा रोल था मेरी फिल्म में रेस्ट क्रू में। तो जब मुझे बुलाया उन लोगों ने तो बोला कि सर संजय भाई हमारी फिल्म बन गई है, सॉरी पूरी फिल्म बन चुकी है। उनके जो फर्स्ट एडी हैं उनका नाम है सफदर अब्बास, तो सफदर अब्बास का जब फ़ोन आया तो बाद भाई ने बोला कि संजय भाई फिल्म तो बन चुकी है लेकिन एक बहुत छोटा सा रोल है जो हम चाहते हैं कि आप करें। तो अब्बास भाई मसान भाई चाहते हैं कि आप करें, और बोला कि संजय भाई को बुलाइए, अगर वो करेंगे तो मज़ा आएगा। क्योंकि हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है अभी तक, हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन सीन शूट नहीं हुआ है, और उस सीन में ये हमारा जो हीरो है वो उस किरदार को मार देता है। ये छोटा सा रोल है और हम चाहते हैं कि ये रोल आप करें। और उसके बाद भाई मस्तान भाई से मुलाकात हुई, वो वैनिटी में बैठे हुए थे तो वैनिटी में जाकर उनसे मुलाकात हुई, और सेम चीज़ मस्तान भाई ने भी बोली कि संजय भाई हम चाहते हैं कि ये रोल आप करें। तो किरदार बहुत छोटा था, लेकिन उस वक्त मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं शायद अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ ज़िंदगी में कि मैं अब्बास मस्तान साहब जैसे डायरेक्टर्स को मना कर सकूं। और मैंने सिर्फ उतना ही कहा कि शूटिंग कब करनी है, तो उन्होंने कहा कल करनी है, तो बस अगले दिन मैंने शूटिंग कर ली। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, आजकल यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज का जो क्रेज़ है, ट्रेंड है, वो बढ़ रहा है, और नए न्यू जनरेशन जो एक्टर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपनी एक्टिंग और अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने का, तो उनके लिए आप कुछ एक सीख या कुछ लेसन या कुछ एक कन्वे करना चाहें, कुछ मैसेज? क्या जब हम लोग आए थे तब इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। जब हम लोग आए थे तो फिल्में राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और विनोद खन्ना इन लोगों के साथ बना करती थी, टेलीविज़न नहीं था। तो अभी तो नई जनरेशन के लिए बहुत कमाल की फैसिलिटीज़ हैं, इतने मीडिया है और प्लेटफॉर्म यूट्यूब और शॉर्ट फिल्म्स का प्लेटफॉर्म है और वेब सीरीज़ का प्लेटफॉर्म है। बट और हैं कुछ लोग अभी वो इन मीडियम पर भी जो बड़े लोग हैं वो अपना कब्जा कर रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं वो लोग। लेकिन नए लोगों के लिए सिर्फ यही है कि वो लोग तभी सरवाइव कर पाएंगे जब अच्छे होंगे, क्योंकि मीडियोकर विल नॉट सस्टेन, विल नॉट सरवाइव, बिकॉज आपको अच्छा कंटेंट, अच्छी परफॉर्मेंसेज, अच्छी स्टोरीज, अच्छे डायरेक्टर्स, आपको अच्छा काम ही करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप सर्वाइव तभी करेंगे जब आप अच्छा काम करेंगे, और मीडियोकर करेंगे तो भुला दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी आपको बार बार मौके नहीं देगी। अभी ज़िंदगी पहले वाली बात नहीं रही, अभी यहाँ पर आपको कोई बार बार मौके नहीं देगा। इफ़ यू आर नॉट गुड इनफ यू विल नॉट गेट द अदर चांस, अनदर चांस। तो बस इतनी सी बात है बाकी। लेकिन हाँ, नए लोगों में दे आर वेरी सीरियस। मैं कुछ नए लोगों के साथ अभी काम कर रहा हूँ, लोग बहुत फोकस हैं, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उन लोगों में उस लेवल पे काम को लेकर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है और बहुत मेहनत करते हैं वो। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। बट मैं ये चाहता हूँ कि बस वो अच्छा काम करें और दिल से करें, और तभी वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है, बहुत कॉम्पिटिशन है। मतलब रोज नए लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, सबको अच्छा काम करना है, सबको बड़ा काम करना है।
तो वो तो पॉसिबल होगा नहीं. लेकिन अगर आप छोटा भी करते हो बट यू शुड डू इट विद फ्रॉम द हार्ट. योर चॉइसेस शुड बी करेक्ट. अगर आपकी चॉइसेस करेक्ट नहीं है तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर फॉर योर यू नो फॉर एनी लॉस ऑफ योर्स. तो आपकी चॉइसेस करेक्ट होनी चाहिए. बाकी इफ योर चॉइसेस इज नॉट करेक्ट यू आर गोइंग टू लूज द गेम. दैट्स इट. बाकी मुझे और कुछ कहना नहीं है. एंड बट थैंक यू सो मच एंड आई लव द इंदौर सिटी. एंड यहाँ पर मैं आया हूँ कुछ शूट करने के लिए. एक टैली मार्केट का वो है प्रोडक्ट, उसकी शूट करने आया हूँ. और बहुत मज़ा आया शूट करके. जो हमारे को एक्टर हैं निशिकंदा वाघ, उनके साथ मैंने शूट किया. मैं आई एम रियली बिग फैन ऑफ हर. और आज उनके साथ काम करना नसीब हुआ. आई टोल्ड हर, मैंने उनको बोला, काफ़ी सीनियर हैं हमारी और बड़ा मज़ा आया काम करके. इवन हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं सुधांशु साहब, बहुत वेरी छोटी टीम है लेकिन बहुत अच्छी टीम है. मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड दिस काइंड ऑफ वेरी नाइस. थैंक यू सो मच फॉर देम एंड थैंक यू फॉर यू. थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय हमारे को दिया. एंड इट वाज एन ऑनर टॉकिंग टू यू सर. माय प्लेजर. गॉड ब्लेस यू. दिस इज प्रेस्टीज इंडिया मीडिया. यस सर, प्रेस्टीज मीडिया, हाई प्रेस्टीज मीडिया. एंड थैंक यू सो मच गाइस. एंड प्लीज कीप डूइंग रॉकिंग. कैमरा पर्सन हर्ष शुक्ला के साथ मैं यशस्वी शर्मा.